Hello my dear students, you are welcome to the e-learning class of class 7 Hindi grammar. आप लोगों का हिंदी व्याकरण के कक्षा में हार्दिक स्वागत है. तो स्टूडेंट्स, हमने कल जो है संज्ञा चैप्टर में से सर्वनाम चैप्टर में से सर्वनाम का किसे कहते हैं ये पढ़ा था. उसके बाद हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना था और फिर हमने सर्वनाम का पहला भेद जिसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम उसको जो है पढ़ा था. और उसके भी जो तीन भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको जाना था. इतना यहाँ तक आपको याद होगा. अब हम आज जो सर्वनाम का भेद पढ़ने वाले हैं इसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम. अब निश्चय शब्द का आप शाब्दिक अर्थ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? निश्चय शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के बारे में फिक्स होना, निश्चित होना, एकदम भली भांति अवगत होना, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो आप जिसके बारे में निश्चित हैं, यू आर श्योर अबाउट दैट, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. यहाँ देखिए, दो बच्चों का चित्र दिया है आपके किताब के पृष्ठ संख्या 136 निकाल लीजिए. वहाँ देखिए, यही मान्या का घर है. एक बच्ची दूसरे बच्चे को दिखा रही है, यही मान्या का घर है. इसी तरह से माँ, इसी ने मेरी मदद की है, माँ इसी ने मेरी मदद की है. तो उपर्युक्त वाक्यों में यही और इसी निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये घर और लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं, ये घर और लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं. कुछ अन्य उदाहरण हैं, यह, इसे, उसी, तुम ही, उन्हीं. आई एम मेकिंग यू क्लियर. देखिए, जैसे कि आप जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ और उधर कोई दो दोस्त चलते हुए आ रहे हैं. सपोज कि आप अभी जैसे क्लास 7 में हैं और आप में से किसी देख रहे हैं कि दो क्लास 5 के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को दिखा कर बोलेंगे कि ये जो दो 5 के बच्चे जा रहे हैं ना, इनमें से जो राइट वाला बच्चा है वो हमारे उस फ्रेंड का भाई है. ठीक है, तो ये जो राइट वाला मैंने बोला, इसको अगर आप और पास में जाएंगे तो बोलेंगे यही मोहन का भाई है, यही श्यामा का भाई है. तो ये जो यही, यानी यू आर पॉइंटिंग एट समबडी एंड यू आर डैम श्योर अबाउट दैट, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. तो यहाँ पर सर्वनाम क्यों होता है आप पूछेंगे, बोलेंगे ठीक है मैम, निश्चयवाचक तो हुआ लेकिन सर्वनाम क्यों हुआ? क्योंकि यही, वही, ये यह वह शब्द क्या है? ये तो सर्वनाम है ना. हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए भी सर्वनाम यूज करते हैं. यह एक पेन है, ठीक है. तो इस तरह से, तो यही, वही, फिर कोई बोलेगा कि इसी, ठीक है. तो इस तरह से जो मतलब सर्वनामों का प्रयोग होता है, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है. इसी के ऑपोजिट एक और है जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है. तो उसका मतलब एक व्यतिक्रम भी है, व्यतिक्रम नहीं, मतलब मैं बताऊंगी आप लोगों को उसके बारे में, उसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है. आप लोग जान के रखिए कि इसी तरह से अनिश्चयवाचक भी होता है, लेकिन इसका भी कुछ विशेष है. व्यतिक्रम जिसे कहते हैं निश्चयवाचक का, कुछ सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं. इनका प्रयोग दोनों रूपों में होता है, तब प्रयोग के आधार पर उनका भेद निश्चित करते हैं. तब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है, तो उस आधार पर हम उसका भेद करते हैं. जैसे कि यह वहाँ रख दो, यह वहाँ रख दो, तो यहाँ पर जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है. यहाँ उदाहरण देखिए, यह वहाँ रख दो, तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है. और इसी तरह से यह सीमा की कलम है,
तो आप यहाँ पर एक जगह यह वहाँ रख दो में ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, और दूसरे जगह पर यह सीमा की कलम है में ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। क्यों हुआ? दोनों ही यह है, लेकिन यह अगर आप बोलोगे कि यह सीमा की कलम है दिखाकर बोलो आप निश्चित हो, तब वहाँ पर वो निश्चयवाचक हुआ। लेकिन यह वहाँ रख दो जैसे आप बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि आप इसको बोल रहे हैं और दूसरा इसको सुन के उसको फॉलो कर रहा है, वक्ता और श्रोता का संबंध। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आप थर्ड पर्सन की भी कल्पना कर सकते हैं, यह वहाँ रख दो, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।